GTA 5 एक बहुत ही मजेदार गेम है और इस गेम के बारे में हर कोई जानना चाहता है। बहुत लोगों ने डिमांड की, सर वीडियो गेम के फैक्ट्स बहुत दिनों से नहीं आए हैं। तो आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे GTA 5 के बारे में। कुछ ऐसी बातें GTA 5 के बारे में जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अभी आपने हाल में सुना होगा कि GTA 5 सबसे महंगा गेम हो गया है। इसकी इनकम इतनी हुई है जो औसतन एक फिल्म भी इतना नहीं कमाती जितना इस वीडियो गेम ने कमा लिया। आखिर क्या है इसमें ऐसा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या आपको पता है कि GTA 5 में प्रोलॉग्स गेटवे नाम का एक सीक्वेंस है, एक गेम में बीच में जो सीक्वेंस आते हैं, कटसीन्स आते हैं, वैसा कुछ है। उसमें क्या होता है कि जो ट्रेवर होता है वो माइकल को कहीं पे गाइड करता है जाने के लिए। आसपास बर्फ जमी होती है, तो आप उसके गाइडेंस को ना फॉलो करके अगर कहीं दूसरी साइड जाते हैं तो आपको बर्फ में दबा हुआ एक एलियन दिखेगा। जी हाँ, इस गेम में आपको बर्फ में दबा हुआ एक एलियन दिखेगा जो नॉर्मल आपने गेम प्ले के वक्त नहीं देखा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा साइड में चले जाएंगे प्रोलॉग्स गेटवे में तो आपको एक एलियन नजर आएगा। क्या आपको पता है कि इस गेम में फुली प्लेएबल लमार है? अब लमार के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जो फ्रैंकलिन है, इस गेम में मेनली तीन हीरो हैं, फ्रैंकलिन, ट्रेवर एंड माइकल। तो जो फ्रैंकलिन का दोस्त है लमार, तो वो खेल सकते हैं आप उससे, लेकिन आप नहीं खेल पाते। गेम के कोड में दबा दिया है उसके कैरेक्टर को। वैसे खेल सकते थे लेकिन वो कोड में दबा दिया है और उसे आप नहीं खेल सकते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस गेम में लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है फ्रैंकलिन को। उसको ए बी सी तीन ऑप्शन मिलते हैं। ए में मिलता है कि वो ट्रेवर को मार दे, बी में मिलता है कि वो माइकल को मार दे, और सी में मिलता है कि वो किसी को ना मारे और वो तीनों मिलकर अपने दुश्मन को मार दे। तो जो गेम के कोड में जो तीसरा ऑप्शन है वो असल में लास्ट में फ्रैंकलिन के खुद मरने का है, लेकिन उसको बाद में चेंज कर दिया गया क्योंकि ये थोड़ा सैड हो जाता ना। पहले जो गेम को बनाया गया था तो ऐसा ऑप्शन रखा था उन तीनों हीरो में से एक तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उनको लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर सभी हीरो के साथ लोग खेलना चाहें तो लोग उदास हो जाएंगे, तो हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने तीसरे ऑप्शन पे तीनों को जिंदा रखा और दुश्मन को मार दिया। लेकिन जो गेम में हिडन चीज है वो ये है कि फ्रैंकलिन मर जाता है और उसकी जगह उसका दोस्त लमार ले लेता है। इस गेम में अगर आप ध्यान से देखें तो हर कैरेक्टर का एक अलग स्लीपिंग पैटर्न है। अगर हम बात करें माइकल की, तो इस गेम में वो सिर्फ 6 घंटे ही सोता है। अगर आप उसको स्लीपिंग मोड में लगाएंगे, उसके घर में जाके स्लीप करेंगे, उसको स्लीपिंग में लगा देंगे, तो वो सिर्फ 6 घंटे सोता है, जबकि फ्रैंकलिन 8 घंटे सोता है और ट्रेवर पूरे 12 घंटे सोता है। तो अगर आप उनको कैरेक्टर को सोने में डाल देंगे तो इतने टाइम के बाद जागेंगे, टाइम इतना आगे हो गया होगा। इस गेम के डेवलपर्स का कहना है कि इन्होंने जो तीन हीरो इसलिए रखे हैं, ये अलग अलग प्लेयर्स के रूप को दिखाते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के प्लेयर्स को दिखाते हैं। पहले बात करते हैं माइकल डिसेंटा की। जो माइकल है एक बिजनेसमैन है, हमेशा कोट पैंट पहन के रखता है, उसकी फैमिली है, ये दर्शाती है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरा GTA खेल लिया है, वो रिटायर्ड हो चुका है इन सब क्राइम वगैरह करके और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है अपनी फैमिली के साथ। ये उसका रूप है जो माइकल का है। अब दूसरी जगह आती है फ्रैंकलिन की, जो कि थोड़ा यंग है, वो एक ब्लैक बॉय है, तो उसको ये दिखाती है कि जो अभी गैंगस्टर बनना चाहता है, जिसकी कम उम्र है, जो अभी अभी GTA में आया है, तो वो उस प्लेयर को डिनोट करती है। जबकि ट्रेवर बहुत ही गुस्से वाला बुड्ढा है और फ्रैंकलिन की डबल उम्र का है, वो बहुत ज्यादा आक्रामक है और जिसको देखता है गोली मार देता है, तो वो आक्रामक प्लेयर को दर्शाता है। तो अलग अलग प्लेयर को ये अलग अलग कैरेक्टर दर्शाते हैं, ये डेवलपर्स का भी कहना है और ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। ट्रेवर इस गेम में ज्यादातर अंडरवेयर पहने दिखाई देता है और इसके लिए जो वॉइस एक्टिंग की थी या जो शूटिंग की थी, ये जो मोशन तैयार किए गए थे, तो जो उसका एक्टर जिसने सही में दिया था, वो भी जब वॉइस एक्टिंग करता था उसकी और जो भी शूटिंग होती थी उसमें, वो सही में अंडरवेयर पहन के रखता था ताकि वो कैरेक्टर में रहे। क्योंकि जो अंडरवेयर में बोलता है वो बुड्ढा चिल्लाता है, तो जो उसका वॉइस एक्टिंग देने वाले वो सारी चीज़ें जो भी करते हैं और यू नो गेम के जो कटसीन्स वगैरह डिजाइन होते हैं वो भी सही के कैरेक्टर्स के मोशन ट्रैक करके होते हैं। तो वो इसीलिए असली में भी अंडरवेयर पहन के आता था जब उसकी शूटिंग होती थी, आवाज़ रिकॉर्ड होती थी, ताकि वो कैरेक्टर में अच्छे से घुस पाए। आपने अक्सर देखा होगा कि GTA 5 खेलते वक्त कट सीन्स में भी जब माइकल से कोई बात करता है राइट साइड से, तो माइकल पूरा उसकी तरफ मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल जो इसकी आवाज़ दी गई है वो नेट ल्यूक ने दी है और वो एक कान से नहीं सुन सकते, उनको परेशानी है ये, मतलब वो एक कान से नहीं सुन सकते। तो जो उनकी मोशन ट्रैकिंग की गई, उनकी आवाज़ दी गई, उसको भी वैसे ही रखा गया कि माइकल की राइट साइड से अगर कोई बोलता है तो वो पूरा ऐसे टर्न हो जाता है फिर बात करता है, ये दिखाने के लिए, क्योंकि उनका जो सही कैरेक्टर है वो एक राइट कान से अपने नहीं सुन सकता और ये फैक्ट है, कोई इस बात को नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि GTA 5 के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि लॉन्च होने के, रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बिका है तो वो GTA 5 गेम की कॉपीज हैं।
वो दिन मुझे याद है जब मैंने भी न्यूज में देखा था कि GTA 5 लॉन्च हो गया, लोग लंबी लंबी लाइनों में दिन दिन रात रात 6-6 घंटे खड़े रहे ताकि उन्हें गेम की एक ऑथेंटिक कॉपी मिल पाए। इतना ज्यादा क्रेज है GTA 5 का। मैं आपको बता दूं, इसने एवेंजर्स को भी आगे पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गया एवेंजर्स से। एवेंजर्स की फिल्म जब लॉन्च होती है तो उसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उसके मास्क निकलते हैं बच्चों के लिए और प्रोडक्ट निकलते हैं, उनको भी कब का पीछे छोड़ दिया इस गेम ने पैसे कमाने में। तो ये किसी मूवी से कम नहीं है बिजनेस के तौर पर अगर देखा जाए, और गेमिंग इंडस्ट्री तो वैसे भी बहुत बड़ी है और इसके बारे में लोग, इस फैक्ट के बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते। ये रिकॉर्ड है टॉरिक सेल्वी का, एक प्लेयर का, जिसने इस गेम को सबसे कम समय में पूरा खत्म किया है। जितने भी एक्स्ट्रा के इसके मिशंस हैं, साइड मिशंस हैं, मेन मिशंस हैं, वो सारे इसने 11 घंटे 50 मिनट और 57 सेकंड में कंप्लीट किए हैं, और अभी तक का ये रिकॉर्ड है। इसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया। मैं सोच भी नहीं सकता कि लगातार 12 घंटे लगभग इस गेम को खेलना कैसा हो सकता है। कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यासा होगा गेम का जो ऐसे गेम को लगातार ख़त्म कर सकता है 12 घंटे। तो ये रिकॉर्ड है, आप अगर चाहें, वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, इस रिकॉर्ड को तोड़ने की सोच सकते हो। आपने देखा होगा GTA 5 का जो लोगो है वो कहां से इंस्पायर्ड हुआ है, आपको पता नहीं होगा, ये बात नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1899 के जो डॉलर बिल थे उससे ये इंस्पायर्ड है। उसके जो फॉन्ट, उसके जो लिखने का तरीका है डॉलर का, उससे ये GTA 5 का जो भी लोगो है वो इंस्पायर्ड है, और ये बात कोई भी नहीं जानता। इस गेम में एक ऐसा सेगमेंट भी है जिसमें ठीक 11 बजे अगर फ्रैंकलिन, दिन के 11 बजे फ्रैंकलिन या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक माउंटेन या जंगल के पास जाकर एक पत्ती खा लेता है तो एक बिग फुट बन जाता है। जी हाँ, इस गेम में ऐसा भी है कि आप एक कुत्ता, बंदर, मछली, ये सब बन के भी खेल सकते हैं, लेकिन इसका, इसके लिए चीट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिना चीट का इस्तेमाल किए अगर उस पर्टिकुलर टाइम पर आप एक पत्ता खा लेंगे, फ्रैंकलिन खा लेगा, तो वो एक बिग फूट बन जाएगा, मतलब एक भालू जैसा जो बड़ा सा होता है ना वो बन जाएगा, और उससे आप फिर आगे गेम खेल सकते हैं। कुछ मिनट के लिए ये कैरेक्टर रहता है, और ये फैक्ट कोई भी नहीं जानता। ये बात आप नहीं जानते होंगे, लेकिन GTA गेम्स जो होते हैं उनके अंदर जो बिल्डिंग्स होती हैं, मैप्स होते हैं, जो भी लॉस सैंटोस वगैरह दिखाए गए हैं, ये सही की लोकेशन पर बेस्ड हैं। वेनिस बीच और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी बीच हैं, उन सबसे इंस्पायर्ड होकर इसका मैप तैयार किया गया है, इसकी सिटी तैयार की गई है रियल लोकेशंस के हिसाब से। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि जो भी GTA गेम्स होते हैं वो पुराने GTA गेम्स की झलक उन नए GTA गेम्स में नज़र आती है। जी हाँ, पुराने कैरेक्टर्स, पुराने तरह के लोग, इवन अगर आपने GTA San Andreas खेला है तो GTA 5 में अगर आप सीक्रेट कहीं दीवारों पर देखेंगे, कहीं देखेंगे, तो आपको ग्रूव स्ट्रीट गैंग के निशान नजर आएंगे। वही ग्रूव स्ट्रीट गैंग जिसका लीडर CJ बन गया था, अगर आपने San Andreas खेला है तो वहां के लोग भी नजर आएंगे। इवन CJ का भी मेंशन मिलता है इस गेम में, और GTA 4 में भी मिलता है इसका मेंशन, CJ का, कार्ल जॉनसन का, जो कि बहुत पॉपुलर गेम था GTA San Andreas। तो ये सारे आपस में गेम इंटरलिंक्ड हैं, और इनके डेवलपर्स आप जानते ही आपस में होते होंगे, सेम फ्रेंचाइज है, सेम वो चल रही है, तो इसके मेंशन देखने को मिलते हैं, और ये आगे आगे पीढ़ी बढ़ती चली जा रही है, एडवांस्ड होती चली जा रही है। मुझे वो दिन याद है जब पहली बार मेरे पास GTA Vice City आया था, जब मैंने Vice City खेला था, बहुत ही अच्छा गेम लगा था। मैं अपने दोस्त से पेनड्राइव में ये गेम लेकर आया था, और ओपन वर्ल्ड गेम था, उसमें बहुत मज़ा आया था मेरे को बहुत मज़ा आया था, और वो दिन मुझे आज भी याद है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, GTA के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ भी लेकर आता रहता हूँ जब बोरिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको थोड़ी सी हंसी मिल जाती है और आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।